इंदौर में कोरोना के कारण 21 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद शहर में कोरोना बीमारी के चलते कई आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड की कमी देखी गई। इन्हीं सब स्थितियों से जूझते शहर में कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है, अब शहर की स्थिति भगवान के आशीर्वाद से स्थिर हुई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा देर रात तक अधिकारियों के साथ कील कोरोना को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मनीष सिंह का कहना था कि शुरुआती दौर 22 से 24 अप्रैल के बीच में काफी स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हॉस्पिटलों में बाहर से आने वाले मरीजों के चलते हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी भी कराई जा रही है, लेकिन शहर में भले ही आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना मरीजों की गंभीर स्थिति सामने नहीं आ रही है। मरीज सिस्टम के पाए जा रहे हैं और उन्हें जल्द इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता ना पड़े। शहर के में जो पीक आया था, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था हम लोगों को, चाहे वो ऑक्सीजन डिमांड का, चाहे डेथ का, चाहे पॉजिटिविटी का, सबसे ज़्यादा था 20 से 25 अप्रैल के बीच में। तो वो पीरियड था खासकर पे 21, 22, 23, तीन दिन ऐसे थे अप्रैल के जो पीक थे, अगर इंदौर सिटी की बात करें। उसके बाद से ग्रेजुअली रिडक्शन होना शुरू हुआ है, अभी भी ईश्वर के मेहरबानी से पूरा एक रिड्यूस्ड वे में ही ग्राफ जा रहा है पूरा, और ये सब लोग फील भी कर रहे हैं कि जो पहले अगर किसी के पास जितने ही फ़ोन आते थे, उसके फ़ोन आने की प्रतिशत लगभग 70-80% कम हो गई है। पर ये ज़रूर है कि इंदौर के हॉस्पिटल से प्रेशर अभी बना हुआ है। बाहर के जो आसपास के जिलों के मरीज आते हैं यहाँ पर, उनका निरंतर आना बना हुआ है उनका, और जो पहले मरीज नहीं आ पा रहे थे, इंदौर के पेशेंट्स की वजह से जो जगह खाली हो रही हैं, उसमें सब बाहर के मरीज आ रहे हैं। तो अस्पतालों का मैनेजमेंट और अस्पतालों में प्रेशर और अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई, वो उसी प्रकार का चैलेंज हम लोगों ने बना है। पर ये बिल्कुल सही है कहना आपका कि इंदौर में कोविड के जो पेशेंट्स निकल रहे हैं, वो बहुत कम संख्या में ऐसे निकल रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो। यह बात अलग है कि आंकड़ा आ रहा है पेशेंट्स का, किंतु उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है, ऐसे कम है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन लायक हों। और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा भी प्रिकॉशन ले लेते हैं जब शुरू में, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता है उनका।